मरहबा, आज की जीत का सेहरा दिलावर का सर रहा। क्या कह रहे हो फजल खान, तीर मेरा भी निशाने पर लगा है। ठीक कहते हो मुराद, लेकिन आंख की पुतली में तीर सिर्फ दिलावर का लगा है। फजल खान, तुम दिलावर की हिमायत करके हमारी और सरदार मुराद की तौहीन कर रहे हो। इंसाफ की नजर में साला और भैनोई दोनों बराबर हैं। मुनसफ की आंख निशाने को देखती है, निशाना लगाने वाले को नहीं। तीरंदाजी बच्चों का खेल नहीं शिकरे, भाई मुराद की आड़ लेकर अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश न करो। आप ऐसे बाहर ना हो दिलावर, हमने तुम जैसे तीरंदाज बहुत देखे हैं। अगर देखे होते तो मेरे मुकाबले पर कभी ना आते। जबान को लगाम दो दिलावर, मुझे अपने दोस्त मुराद का लिहाज है, वरना तुम्हारा ये जोश पानी के बुलबुले की तरह बैठ जाता। कोंदलों की रगों में पानी नहीं अंगारे भरे हुए हैं। जोश में ना आओ, मेले मेल मिलाप के लिए लगते हैं, लिए नहीं। जाओ घूम फिर कर तमाशा देखो। आज हुआ
तो ये हाथ कुल बानो पर उठने से पहले कर चुका होता। खुदा की शान, क्या जमाना आ गया है, साले भैनोइयों के मुंह आने लगे हैं। शिकरे, ये तुम बार बार बहन के रिश्ते का ताना क्या देते हो? गोंदरों ने अगर बेटियां दी है तो ली भी है। मुराद, एक बार हम तुम्हारी खातिर अपनी तौहीन बर्दाश्त कर चुके हैं, मगर अब इसने तुम्हारा मुकाबला करके हम सांदलों की गैरत को ललकारा है, हमारी दोस्ती का मुंह चढ़ाया है। अगर अब भी तुम खामोश रहे तो मैं समझूंगा तुम्हें दोस्ती से ज्यादा रिश्ता प्यारा है। दिलावर, आपस के झगड़े को सांदलों और गोंदलों की खूनी दास्तान बनाने की कोशिश ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेला खत्म होने से पहले हमारे पुराने रिश्ते खत्म हो जाए। मुझे भी सिर्फ आपका लिहाज है, वरना अब तक शमशेर की गर्दन शिकरे की झोली में पड़ी होती। पहले अपना सर बचाओ पुत्र। ये तो खत्म हो गया, और भाग चले। अहमद खान, समंदर खान, दौलत खान, पीछा करो इनका, एक भी बचकर न जाने पाए। शमशेर, मुरा मेरा फजल। शमशेर, मुझे तुम्हारे इस खून की कसम है शमशेर, जब तक दिलावर से तुम्हारा इंतकाम न ले लूं, मेरी तलवार म्यान में नहीं जाएगी। शिकरे, मुझे ये वहम भी नहीं था कि शमशेर दिलावर के हाथों मारा जाएगा। तुम खुशी मना के दिलावर बचकर निकल गया, तुम्हारी रिश्तेदारी तो कायम रह गई, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। इस भरे मेले में मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया। ऐसा ना कहो शिकरे, शमशेर मेरा भी भाई था। दिलावर ने शमशेर को कत्ल करके मेरी और अपनी रिश्तेदारी की शहरक पर तलवार चलाई। तुम मेरा साथ दोगे? सोच लो मुराद, दिलावर से तुम्हारे रिश्ते की जड़ें बड़ी गहरी और मजबूत हैं। काट सकोगे उन जंजीरों को जो सरदार गुलाब खान ने अपनी बेटी देकर तुम्हारे हाथों में पहना रखी है? आज सारी जंजीरें कट गई, सब रिश्ते टूट गए। मैं तुम्हें कॉल देता हूं शिकरे, अगर दिलावर से बदला ना लो तो बुलंद खां का बेटा नहीं। तो चलो हमारे साथ, दिलावर के बाप सरदार गुलाब खां से अभी इसका फैसला हो जाएगा। बहुत बुरा हुआ दिलावर, तलवार उठाने से पहले तुमने ये भी ना सोचा कि सांदलों के सामने हमारी गर्दन झुकी हुई। शमशेर ने इसका मौका नहीं दिया बाबा, उसने बदकलामी की, मैं तरा देता रहा। उसने तलवार खींच ली, मैंने बचाया, दो तलवारें टकराई और लड़ाई का फैसला हो गया। काश फैसला हो जाता। दुख तो इसी बात का है कि शमशेर की मौत से लड़ाई का फैसला नहीं, लड़ाई की इब्तदा हुई। मगर मेरा यह इरादा नहीं था बाबा, यकीन कीजिए शमशेर ने खुदकुशी की है। हाँ बाबा, शमशेर ने अपनी मौत को खुद पुकारा, दिलावर बिल्कुल बेकसूर है। ठीक तो है बाबा, दिलावर को तलवार का जवाब तलवार ही से देना चाहिए था। जी हाँ, भाई की वकालत और बाप की अदालत हो तो कातिल भी फरिश्ता बन सकता है। मुराद खान, शमशेर ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, हम उसका बदला तलब करने आए। मगर तुम्हारे होते ये सब कुछ कैसे हो गया, क्यों हो गया मुराद? जवानी का भूत दर्रे को पहाड़, भेड़ को भेड़िया और इंसान को शैतान बना देता है। नेक भाई तो बहन के गांव का कुत्ता भी नहीं मारते, लेकिन तुम्हारे इस लाडले दिलावर ने भरे मेले में शमशेर को मौत के घाट उतार दिया। अगर बुजदिलों की तरह मैदान से न भागता तो इसकी लाश भी न मिलती। तेरे मुंह में खाक, एक बाप के सामने उसके बेटे की लाश का जिक्र करते, तेरा दिल नहीं कांपता? शमशेर भी किसी माँ का लाल था, दिलावर ने मेरे भाई की जान ली है, मैं इसका सर लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। नहीं शिकरे, एक भूल की इतनी कीमत ना लगाओ जो एक बाप कभी अदा ना कर सके। उससे कि आजी ने एक चिराग बुझा दिया जिसका मुझे अफसोस, अब दूसरा चिराग बुझा दोगे तो दोनों कबीलों में अंधेरा हो जाएगा। तकदीर ने तुम्हारा बाजू तोड़ दिया है, तुम मेरी कमर तोड़ने की कोशिश न करो, मुझसे शमशेर के खून का कसास ले लो,
मैं दिलावर के बराबर तोल कर रुपया देने को तैयार हूँ। सुन लिया मुराद, तुम्हारे ससुर की नजरों में हमारी हैसियत एक भिखारी से ज्यादा नहीं। गलती मेरी है, मुझे गुलाब खान के दरवाजे पर आने की बजाय ये सौदा उसी मैदान में चुकाना चाहिए था जहाँ शमशेर का खून गिरा था। ये इनकी भूल है शिक्रे, सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकल सकता है लेकिन एक भाई भाई की लाश का सौदा कभी नहीं कर सकता। मुराद, तुम भी यही कह रहे हो? बहुत अच्छा, अगर दामाद सुसर के मान को खाक में मिलाना चाहता है तो गुलाब खां बेटी के सुख से बेटे की जिंदगी को कीमती नहीं समझता। दिलावर, सामने आओ बेटा और किस्मत के इस वार को हंसते हंसते सह जाओ। कभी कभी भाइयों को बहनों के हाथों पर अपने खून की मेहंदी भी रचाना पड़ती है। बाबा, हम इतना महंगा सौदा कभी नहीं करेंगे। शमशेर ने खुद ही शरारत की और बल्बे में मारा गया। दिलावर बिल्कुल बेगुनाह है। इसका फैसला तलवार करेगी, शमशेर का खून रायगा नहीं जाएगा। तुम्हें उसके एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। ये गीदड़ भक्तियां किसी और को देना, गोंदलों की तलवारें अभी कुंद नहीं हुई, उनकी धार आज भी तुम्हारी जबान से ज्यादा तेज है। बहुत अच्छा, लेकिन गौर से सुन लो गुलाब खान, आज से पुराने रिश्ते खत्म हो गए। अब ये लड़ाई शमशेर और दिलावर की नहीं, सांदलो और गोंदलो की जंग बन चुकी है। आज के बाद तुम्हारे किसी आदमी ने दरिया पार करने की कोशिश की तो जिंदा बचकर नहीं आएगा। आओ शिकरे। मुराद, मुराद खान, जाने दो बाबा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वो बरस भी सकते हैं बेटा, वो बरस भी सकते हैं। ये वो बिजलियां हैं जिनकी जद में हमने अपना आशियाना बना रखा। तूने अपनी झूठी आन के लिए बहन के रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं दिलावर। अजरा की फूलों भरी सेज को अंगारों से भर दिया। बहुत महंगा कर दिया है तुमने अजरा के सुहाग को हमारे लिए। खुदा ना करे अजरा पर कोई आंच भी आए। मुराद ने शिकरे के लिए हमसे दुश्मनी ली है तो क्या हुआ? बुलंद खां भी जिंदा है, वो अजरा का डोला बहू नहीं बेटी बनाकर ले गया था। अल्लाह तुम्हें खुश रखे अजरा बेटी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। ये दुनिया वालों की भूल है जो बहू और बेटी में फर्क समझते हैं, और फिर तेरे जैसी बहू तो बड़े नसीबों से मिलती है। क्या बाप की खिदमत बेटी का फर्ज नहीं? जीती रहो बेटी, अब तो यही जी चाहता है कि तुम दोनों का भरा मेला छोड़कर चल दूं। यूं ना कहिए बाबा, खुदा आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे। मुराद कहाँ चला गया आज? अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गए हैं। हाँ, उसे तो अपने मेलों ही से फुर्सत नहीं मिलती, उसकी बला से कोई मरे या जिए। ये बात नहीं बाबा, साल भर में एक तो मेला आता है, कौन नहीं जाता इस मेले में। दिलावर और दिलदार भाई भी तो आए होंगे, सब हंस खेल रहे होंगे मिलकर। मैं देख रहा हूँ मुराद दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही लापरवाह होता जा रहा है। अच्छा बेटी, अब तू भी दो घड़ी आराम कर ले, रात बहुत जा चुकी। अगला बहन, क्या बात है नाजो? तुम्हारे भाई दिलावर के हाथों शिकरे के भाई का खून हो गया है। खून? बात तो सारे गांव में फैल चुकी है। क्या मुराद भाई अभी घर नहीं आए? नहीं तो, खुदा करे ये झूठ हो, मेरे भाई किसी को कत्ल नहीं कर सकते। दिलावर किसी कर दिया। लड़ाई शिकरे से हुई है, आपको तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुनना चाहती हो? उन्होंने कातिल की हमायत की और अपने घर में शिकरे के सामने मुझे बेइज्जत किया है। मेरे भाई, मेरे बाबा आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते, ये कभी नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं आता। चुप रहो वरना जबान खींच लूंगा। मुराद, किस जुर्म पर तूने इस मासूम को मारा है नालायक? आपने सुना नहीं शायद? सब सुन लिया है मैंने। मेले में तुम और तुम्हारे आवारा दोस्त अगर कोई गुल खिलाकर आए हैं तो इस गरीब का क्या कसूर है? मैं अपने दुश्मनों की हमायत बर्दाश्त नहीं कर सकता बाबा, इसे समझा दो आइंदा मेरे सामने अपने मैके का नाम भी ना ले। क्यों नाम ना ले? अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे होते तुम अजरा को उंगली भी नहीं लगा सकते। दूर हो जाओ मेरी, कि वो तेरी खुशियों पर डाका डालने वाले मुजी का गला दबा सके। मेरे जीते जी मुराद तुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। मुराद ने अगर अजरा को घर से ना निकाला तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं तो आज ही अजरा को घर से निकाल देता, लेकिन ऐन वक्त पर बाबा ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। ये खेल नहीं मुराद, बल्कि फर्ज है। तुम गोंदरों से बदला लेने की कसम खा चुके हो। मुझे अपना कॉल याद है शिकरे। सरदार, वहां मदारी एक नया तमाशा दिखाने आया है। कौन मदारी? दिलदार हां हवेली में सुलह का पैगाम लेकर आया है। सुलह का पैगाम? हाँ, मुझे बाबा ने भेजा है और कहा है कि लड़कों की मूंज और जवानी को बुजुर्गों के तजुर्बे ने रास्ता ना दिखाया,
तो दोनों कबीले कुछ तो खून का अखाड़ा बन जाएंगे। उन्हें शमशेर की मौत का अफसोस है। हम गुलाब खान के जज्बे की कदर करते हैं। हम जानते हैं कि शमशेर की मौत किसी दुश्मनी का नतीजा नहीं बल्कि एक हादसा है। यह हकीर सी रकम मरने वाले की जिंदगी का मोल तो नहीं हो सकती, लेकिन म्यान से निकली हुई तलवारों को वापस म्यान में जरूर ले जा सकती है। बेशक, ये रकम हमारे हवाले कर दो, हम इसे शिकरे तक पहुंचा देंगे। ठहरो, शिकरा कोई भिखारी नहीं जिसे चंद ठीकरे देकर तुम सांगलों की गैरत खरीदने आए हो। वापस ले जाओ अपनी सौगात और फिर कभी हमारी सरहद में कदम रखने की जरूरत न करना। शिकरे, बरसों पुराने रिश्ते को इतनी जल्दी तोड़ने की कोशिश न करो। रिश्ता टूट चुका है, मेरे सीने में भाई की मौत का जख्म अभी तक रिस रहा है। इसे भरने के लिए दिलावर का खून चाहिए, खून। शिकरे, दिलावर का खून शमशेर को वापस नहीं ला सकता। उसे भूल जाओ वरना नफरत और दुश्मनी का वो भयान निकलावा फूट पड़ेगा जिसमें न सांदल बचेंगे न गोंदल। आने वाले सैलाब को अब कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। खामोश। दिलदार हमारा रिश्तेदार, पूरे कबीलों और गोंदलों का तर्क ये लड़ाई का नहीं सुलह का पैगाम लेकर आया है। हमारे फैसले को ठुकरा कर बनती हुई बात को बिगाड़ने की कोशिश ना करो। ये फैसला गलत है बाबा। आप जिंदगी का लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन हमें ये सफर अभी तय करना है। पैरों में बुजदिली की जंजीरें और गर्दनों में बेगैरती के ताक डालकर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। सुलह सिर्फ एक सूरत में हो सकती है, ये कातिल को हमारे हवाले कर दे। हरगिज नहीं, ये हमारे फैसले की तौहीन है। चले जाओ यहां से। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया सरदार, मुझे इजाजत दीजिए। सरदार गुलाब खान से कह देना कि जब तक बुलंद खान का आखिरी सांस बाकी है, सांदल की हवाएं तुम्हें दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम देती रहेंगी। कहां जा रही हो अदरा? वो सौगात वापस लेने जो एक भाई को बहन के शौहर ने देकर भेजी है। तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारे शौहर को शमशेर की लाश ही दी थी? ये गलत है। मेरे भाई ने शमशेर की जान ली होती तो सुलह का पैगाम लेकर कभी ना आते। अपना वार करके हथियार फेंक देना बुजदिलों का पुराना हरबा। मेरे भाइयों ने कभी झूठ के आगे गर्दन नहीं झुकाई, मगर आज उनके सामने बहन की लाज का सवाल आ पड़ा है। इसीलिए मैं इस लाज को उनके हवाले कर देना चाहता हूँ। चली जाओ यहाँ से। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से कोई निकाल सकता। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। निकल जाओ यहाँ। ये जुमला करो, मुझे अपने कदमों में पड़ा रहने दो। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। नहीं जाऊंगी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। चल जाओ यहाँ से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं जाऊंगी, छोड़ दो। रो नहीं अजरा बेटी, मुझसे तुम्हारे ये आंसू नहीं देखे जाते। मैं भी एक बेटी का बाप हूं ना। मेरी किस्मत में तो आंसू ही लिखे हैं कासिम बाबा। उस घर के दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आप मुझे दरिया के पार छोड़ाइए। किस दिल से ले जाऊं बेटा? गुलाब खां तुम्हें इस हाल में देखेगा तो उसका सीना हमसे फट जाएगा। होने वाली बात होकर रहती है बाबा, तकदीर पर किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन सरदार बुलंद खां तो बड़े चाव से तुम्हें बहू बनाकर लाया था। मुराद को तुम पर ये जुर्म ढाते हुए बाप का ख्याल भी ना आया? मैं अब ना बाप के बुढ़ापे का लिहाज है न बीवी की इज्जत का ख्याल। शिकरे जैसे दोस्तों ने उनका दिल पत्थर कर दिया है। सच है, नेक बाप की बुरी औलाद ऐसी ही होती। खुदा बेटी दे तो उसके नसीब भी अच्छे दे। चलो बेटी। अदरा, अदरा बेटी कहाँ चली गई? तेरी इज्जत, तेरा सुहाग,
आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। शिकरे ने मेरा फूला फला बाग लूट लिया। मुराद, ये तूने क्या किया मुराद? अब मैं गुलाब खान को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने मुझे अपने जिगर का टुकड़ा इसलिए नहीं दिया था कि तू उसे अपने नफरत की आग में झुलस दे। मुराद, मैं तेरा गला खोद डालूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मुराद, 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 मुराद। बाप का हाथ बेटी पर उठते हुए कांप तो नहीं जाएगा? तलवार का काम काटना है, वो ये नहीं देखती कि गला बेटी का है या बाप का। लो सुन लो। शाबाश, आप हार गए बहादुर। हम तुम्हारी जीत पर खुश हुए, लेकिन इतना याद रखो बेटा कि फतह एक ऊंचा तख्त है और शिकस्त उसकी पहली सीढ़ी है। इंसान है, टूटी हुई तलवार जुड़ सकती है, गिरा हुआ महल बन सकता है, खोया हुआ तख्त मिल सकता है, मगर बेटा टूटा हुआ दिल कभी नहीं जुड़ता। नूरी आपकी बेटी है, उसका दिल चट्टानों से ज्यादा मजबूत और इरादे सितारों से ज्यादा बुलंद है। हमें फख्र है कि हमारी बेटी अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कर सकती है। अब हमारे दिल में यह भी हसरत न रही कि खुदा ने हमें बेटा न दिया। सलाम चाचा। आओ नाजू बेटा, खूब वक्त पर आई हो, बहुत दिन हुए मछली नहीं खाई थी। वो नहीं जानता कि उस मजलूम की आहें उसे बर्बाद कर देंगी। अब जागे सपनों में खो, सपना टूट गया, हाय रे सपना टूट गया। सपनों में खो मेरा गुना टूट गया, हाय रे सपना टूट गया। जमाने तूने मेरी दुनिया।
भी मुझसे छूट गया। हाय रे सपना टूट गया। तुम अब तक जाग रहे हो दिलावर? घर की दीवारें बहन की फरियाद से गूंज रही हो तो भाई को नींद कैसे आ सकती है? आपने अजरा के दिल से निकली हुई फरियाद नहीं सुनी, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू नहीं देखे। सब कुछ देख रहा हूं बेटा, बाप अंधा भी हो तो औलाद के दुख उससे पोशीदा नहीं रह सकता। फिर भी आप खामोश हैं, आखिर क्यों? आप जवाब क्यों नहीं देते बाबा? किस्मत की कमान से निकले हुए तीर का जवाब सवाए सब्र के और क्या हो सकता है बेटा? लेकिन हमसे सब्र नहीं होता बाबा, हम अजरा को गम की आग में जलते नहीं देख सकते। मुराद ने हमें गाली दी है, हम इस गाली का जवाब तलवार की नोक से देंगे। जोश में ना हो दिलावर, तुम्हारी ये गलती ने एक बहन का घर उजाड़ा है, अगर इस गलती को फिर दोहराओगे तो हजारों बहनों के घर उजड़ जाए। तो आप हमें बुजदिल समझते हैं? नहीं, लेकिन जल्दबाजी का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मुझे तुम्हारे भाई नादर खां का इंतजार है, जो तुम्हारी तरह सिर्फ जोशीला ही नहीं समझदार और दूरंदेश है। मुझे उसकी दानाई और बहादुरी पर पूरा भरोसा है। तो आपके अब्बा जान हमेशा इंतजार करते रहते हैं। वतन पर मरने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। दरीचे शक से मैं कहा तो सरदार जी ये चाहता है कि यहाँ पर थोड़ी देर आराम फरमा लिया जाए। रास्ते में कमर खोलने वाले कभी मंजिल पर नहीं पहुँचते, समझे? दरीचे शक पर अपनी तो कमर तख्ता हो गई है, आंखों की चमक खो गई है। हवेली अब ज्यादा दूर नहीं, जल्दी पहुँच जाए। पर अपना तो मारे भूख के दम लबों पर है, अगर एक कदम भी मैं चला तो बस फिर दुनिया से अपना सफर है। इसलिए अर्ज ये है कि मैं जरा खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा हूँ, और कुछ आप भी खा लेना, मैं भी कुछ खा लूंगा। अभी आया है। बहुत जल्दी, देखो जल्दी आना। आने की मौत खुदा दुश्मन को भी नसीब न करे। दरी चेषक ऐ समंदर की शहजादी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मगर तुम हो कौन? मैं आदमी। वो तो मैं भी देख रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? रुस्तम समान। माफ करना, मगर तुम जैसे हसीनों के कब्जे में है मेरी जान। तुम दरिया में कैसे डूब गए? दरिया? दरी चेषक दरिया तो है अपना मुकाम, और बंदा जिसके पास ये जान हो बंदा है उसका गुलाम। बड़े अजीब आदमी हो। अजीब भी और गरीब भी। हाँ, अगरचे सूरत है फकीराना, मगर लिबास है शाहाना, और मिजाज बचपन से आज खाना। तुम्हारा दौलत खाना? सरदार नादर से अपना याराना, और उसकी हवेली में है अपना आशियाना। मगर हुजूर का भी कुछ नाम पता ठिकाना? मेरा नाम है नाजो। नाजो? ऐसा मालूम होता है जैसे घी में चुपड़ी हुई गरम गरम चपाती। मालूम होता है तुम्हें भूख लगी है। दरीचे शक मेरा सरदार भूखा है, उसके लिए रोटी। खुदा हाफिज। जी सरदार। कहाँ मर गए थे? तौलिया बना रखा है। क्या पूछते हो सरदार? शिकार करने को आए थे, शिकार होके चले और इश्क के पार होके चले। क्या बकते हो? चाहिए रोटी तो खा लो,
अरे घोड़े खा गया कमबख्त। वक्त ज़ाया मत करो, चलो। अच्छा। दिल में छुपा कर प्यार का अरमान ले चले हम आए थे मकान को जहान ले चले। सरदार बाबा, आपस की नाइतफाकी ने बड़े बड़े कबीलों को बर्बाद कर दिया है। आपको हर कीमत पर मुराद को रजामंद कर लेना चाहिए था। अजरा का असली घर उसकी ससुराल है, मैका नहीं। लेकिन अजरा बिल्कुल बेकसूर है नादिर, इस पर जुल्म ढाया गया है। दुनिया की जबान को कोई नहीं पकड़ सकता भाभी। अजरा का यहाँ रहना बाप की जिल्लत और भाइयों की बदनामी का बायस बन जाएगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन मुराद अब वो मुराद नहीं रहा जिस पर हमें कभी बड़ा मान था। नहीं बाबा, वो मुराद भी नहीं जितना आप समझते हैं। मैं एक बार जरूर उससे अजरा की खुशियां मांगने जाऊंगा और इंशाल्लाह जो कदम मैं उठाऊंगा वो मुराद को हमारे करीब ले आएगा, बहुत करीब। गोरी गोरी चांदनी में, गोरी गोरी चांदनी में।
गोरी चांदनी में, गोरी गोरी चांदनी में, सांवली सलोनी आई है रात सज के, आई है रात सज सज के, गोरी गोरी चांदनी में, गोरी गोरी चांदनी में, रूठे करार मेरे जी का पायल मेरी बज बज के, चोली खेले नूरी चोर बनेगी, मैं क्यों बनूंगी? आहा, तुम चोर। छुप छुप जाना मकई का दाना, राजे की बेटी आती है, चांदनी रात में कितनी प्यारी लग रही। शर्म नहीं आती? सरदार होकर गांव की बेटियों पर बुरी नजर रखते हो। अच्छी सूरत पर सब जान देते। मैं तुम्हें चाहता हूँ नूरी। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे छुआ तो मुंह नोच लूंगी। जानती हो किससे बात कर रही हो? सांदल के सरदार को कौन नहीं जानता, जिसने अपनी मासूम बीवी को घर से निकाल कर बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है। बिगड़ो नहीं, वो घर तो मैंने तुम्हारे लिए खाली किया है। वो घर खाली नहीं हुआ, उसमें आज भी अजरा बहन की चीखें बसी हुई है। लेकिन तुम्हारे हसीन कहकों से वो घर गुलजार बन जाएगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शम्मा, सरिता बेला। क्या हुआ नूरी? क्या हुआ नूरी? कौन था वो मुराद? मुझे अकेली देखकर इश्क झाड़ने लगा था। घबराओ नहीं मुराद, प्यार में पहले इनकार और बाद में इकरार होता है। नूरी हाथ आ गई घर यूं जगमगा उठेगा जैसे अंगूठी में नगीना। हम कल ही फजल खान से नूरी के रिश्ते की बात करेंगे। आदाब करता हूं फजल चाचा। आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ? आज सरदार बुलंद खान जिंदा होते तो हमारी बजाय वो खुद आते। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है आप सरदार मुराद खान को अपनी फरजंदी में ले लीजिए। मुराद खान की हवेली बहुत ऊंची है शिकरे, मेरी बेटी उसकी सीढ़ियां न चढ़ सकेगी। ये क्या कह रहे हो फजल चाचा? नूरी सारे कबीले पर राज करेगी, सरदार मुराद से बेहतर रिश्ता तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों नहीं? जिसने तुम जैसे दोस्तों की मशवरे पर अपनी बीवी को जलील करके घर से निकाल दिया, उससे बेहतर मुझे और कहां मिल सकता है। फजल खान, ये ना भूलो कि आज मैं तुम्हारे घर आया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये जिद कल तुम्हें मेरी दहलीज पर नाक रगड़ने पर मजबूर कर दे। याद रखो फजल खान, तुम मुराद का रिश्ता ठुकरा कर पूरे कबीले से दुश्मनी मोल ले रहे हो। शिकरे, सांदल तो क्या, अगर सारी दुनिया की दुश्मनी मुझे मोल लेनी पड़े तब भी मैं एक मासूम लड़की की जिंदगी में जहर कभी ना घोलूंगा। खुदा ना करे अगर ये धागे तुम्हारे लिए लोहे की जंजीरें बन गए तो बहनों की मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। अगर मैं तुम्हारा छीना हुआ सुहाग वापस न दिला सका तो दुनिया के हर भाई की गर्दन शर्म से छुप जाएगी। इंशाल्लाह मैं कामयाब लौटूंगा। खुदा हाफिज़। खुदा Thank you.
कोई अजनबी मालूम होता है। नूरी यूं मालूम होता है जैसे दरिया पार करते हुए बेहोश हो गया और लहरों ने इसे यहाँ ला फेंका। नाजो चल इसे झोपड़ी में ले चले। ना बाबा मुझसे तीन मन की लाश नहीं उठाई जाती। चल रही बड़ी नाजुक मिजाज, तू जरा इसे सहारा दे, मैं इसके हाथ पकड़ती हूँ। देखो ए, हाथ पकड़कर छोड़ न देना। तू संभल कर रहना, कहीं नाजुक कमरिया में बल ना पड़ जाए। चल कैसी है बेटा? ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? तुम दरिया किनारे बेहोश पड़े थे, ये दोनों तुम्हें उठाकर लाई हैं। ओ, ये आपकी बेटी? अभिले की बेटी सबकी बेटी होती है बेटा। वैसे मैं तो इनका चाकर हूँ, मेरी बेटी नाजो है, लेकिन तुम कौन हो और दरिया में कैसे डूब गए? तैरने वाले डूब भी जाया करते हैं बाबा। मेरा नाम नादिर है। नादिर खां, सरदार गुलाब खां के बेटे? जी हाँ, लेकिन आप ज्यों क्यों गए? इसलिए कि मुराद गोंडियों के खून का प्यासा है, उसने कदम कदम पर पहरे लगा रखे। लेकिन मैं दुश्मन बनकर नहीं, दोस्त बनकर आया। जब इंसान का खून सफेद हो जाए तो दोस्त और दुश्मन की तमीज मिट जाती है बेटा। दूध पी लीजिए। मैं अपने मोहसिन का नाम पूछ सकता हूँ? नूरी। जरा सुनिए तो। जी। आप जा रही? जी। क्या हम फिर कभी मिल सकेंगे? सोराब जाओ, तुम्हारा सफर तो खत्म हुआ, अब मुझे इस पुलरात से अकेले ही को गुजरना है। क्या करूं, दिल तो नहीं चाहता कि तुमसे जुदा हूं, लेकिन दोस्ती का यही दस्तूर है, आगे जो किस्मत को मंजूर है। अच्छा चेषक, ये क्या हुआ? ये मेरे पांव किसने पकड़ लिए? नहीं नहीं, ऐ गोंदल की हवाओं, मुझे वापस ना बुलाओ। यार सांदल में अकेला है, मुझे जाने दो। अरे खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। नो नो नहीं दो अलमदद। चेषक ये क्या, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? ये मुझे एक एक के दो दो क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरी आंखों के नीचे अंधेरा आ रहा है। ऐ खुदा, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, ऐ मूसा को दरियाए नील से पार लगाने वाले खुदा, मेरे नाम की लाज रख ले। अलमदद। Thank you.
और असत्यान हो जाए। दरियाई शहजादी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे फिर एक बार मरने से बचा लिया। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? दरी चशक, अगर किसी सांदल की नजर पड़ गई तो तुम्हारे साथ सपना भी सफाया हो जाएगा। चलते फिरते नजर आओ जी। मैं मरने से नहीं डरता जी। अफसोस की बात तो यह है, मैंने नादर खान को बहुत समझाया कि भाई तू सांदल ना जा, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। मारे गए हम तो दोस्ती में, दरी चशक। अरे तो क्या वो तुम्हारा सरदार नादर खान है? तो क्या तुम उसे जानती हो? हाँ हाँ। अरे तो मुझे बताओ वो कहाँ है, मुझे बहुत जरूरी काम है। जल्दी ले चलो, उठाओ। Thank you.
धड़कन में कोई मेरी धड़कन में चुप चुप के मुझको प्यार भरी बातें सुनाए रे आए रे मेरी नजर शर्माए रे तेरी नजर से मेरी नजर आज मिलते हुए शर्माए रे आए रे मेरी नजर शर्माए रे तुम आगे किसी की दिलकश आवाज मुझे खींच लाई हमने तो किसी को नहीं बुलाया फिर भी मुझे तो आना ही था शुक्रिया जो अदा करना था शुक्रिया किस बात का जिंदगी देने का सोचता हूं अगर मैं दरिया में डूब जाता तो तुमसे मुलाकात कैसे होती तो तुम इसीलिए दरिया में कूदे यही समझ लो लेकिन दरिया में डूबकर मैंने वो मोती पा लिया है जिस पर एक जान तो क्या हजार जाने कुर्बान की जा सकती जाने पहचाने बगैर इतना बड़ा सौदा कौन करता है दिल के सौदे इसी तरह हो जाया करते हैं इस सरजमीन पर कदम रखने से पहले किसी के दिल में मेरे लिए जगह बन चुकी थी कोई मेरा हो चुका था कौन है वो एक खूबसूरत लड़की जब मैंने पहली बार उसे देखा तो यूं महसूस हुआ जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं क्या उस लड़की का भी यही ख्याल हाँ उसकी झुकी झुकी नजरों में अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई देती मगर वो तो कुछ और ही सोचती है क्या वो सोचती है तो वो सख्त खतरे में है वो उसकी जान खतरे में दुश्मनों में आ गिरा है मगर वो तो चले गए कहाँ चला गया हाँ वो जरूर हवेली में गया होगा शिकरा उसके खून का प्यासा है लो तलवार संभालो और मुझे उसका पता बताओ कहाँ है आओ मेरे साथ नाजुक चलो तुम आगे चलो तुम आगे चलो शिकरे मांगने से कुछ नहीं मिलता नूरी मेरा अरमान बन चुकी है मैं उसे हासिल करके रहूंगा सरदार अगर आप हुक्म दें तो हम नूरी को जबरदस्ती उठा लाएं नहीं इस तरह सारा कबीला हमारे हजरा आपकी बीवी कहलाती है नूरी का मिलना बहुत मुश्किल है अजरा 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 क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं आया कि अजरा हमेशा के लिए यहां से जा चुकी है अब हमारा गोंदलों से कोई वास्ता नहीं था लेकिन गोंदलों को आज भी तुमसे वास्ता है और हमेशा रहेगा कौन नादिर कातिल का भाई ठहरो ये मेरा शिकार है जो आज अपने पैरों से चलकर शेर की कछार में आ गया है शेर की कछार नहीं है शिकरे ये कीड़ों की टोली तुमने अपनी जिद के लिए दो खानदानों में नफरत की चिंगारी डालकर उन्हें एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया और आज मैं ये प्यास तुम्हारे खून से बुझाऊंगा मुराद खान मुझे इसका गुमान भी न था तुम्हारे घर में मेरा इस्तकबाल नंगी तलवारों से किया जाएगा तुमने यहाँ आने की जुरत कैसे की गोंदलों के लिए जुरत कोई नई बात नहीं लेकिन काश मुझे मालूम होता कि सांदलों की शराफत और जुरत का जनाला निकल चुका है अब कुछ कहना बेकार है लेकर आया हूं जंग करने तरी चेषक
हाँ हम जंग भी कर सकते हैं। तो चलो ना। चलो तो चलो। खबरदार। मैंने मुराद को समझने में सख्त गलती की। अब क्या होगा? अब मेरा यहाँ रुकना बेकार है। सुलह की आखिरी कोशिश थी, इसे शिकरे की चाल ने नाकाम बना। नादिर, मक्कारों की इस बस्ती से मुझे डर आने लगा है। मैं तुम्हें ही जाने दूंगी, तुम मुझे दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़कर नहीं जाओगे। ये कैसे हो सकता है नूरी? अजरा क्या समझेगी? भाई क्या सोचेंगे? बाबा को क्या जवाब दूं? मगर मैंने तो तुम्हें हमेशा के लिए अपना समझ लिया है। जिंदगी के अंधेरे में उम्मीदों का एक ही चिराग तो जलाया है मैंने, तुम उसे भी बुझा कर चले जाना चाहते हो? मोहब्बत के चिराग को वक्त की आंधी नहीं बुझा सकती नूरी, मेरा वापस जाना जरूरी है। जाने ना दूंगी अपने पिया को मैं, जाने ना दूंगी अपने पिया को मैं नहीं जाने दूंगी। छोड़ दो नाजो, मुझे जाना ही पड़ेगा। जमीन से आसमां टकराए, बादल आग बरसाए, क़यामत हो पाथर पर, सूरज सवाने से पे आ जाए, ये सब कुछ मुमकिन है, मगर उस तब तुमको भूल जाए ये नामुमकिन है। पटो जी, तुम भी झूठे और तुम्हारा प्यार भी झूठा। दरीचे शहजादी, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो मेरी समंदरी शहजादी, गम से मेरा सीना फटा जाता है और कलेजा मुंह को आता है। कलेजा मुंह को आता है। ए जी, तो फिर क्यों जा रहे हो? जब मेरा सरदार जा रहा है तो मैं कैसे रुक सकता हूँ? मगर तुमने तो सदा साथ देने की कसम खाई थी ना। तुरी चेशक, मैंने घास खाई थी। अरे, कसम खाना मेरा काम, एतबार करना तुम्हारा काम, और इस कसम को पूरा करना उसका काम है। किसका? किसका? वो जो नीली छत पर बैठा हुआ जुदाई के तीर चला रहा है जी। नादर, मुझे समझने की कोशिश करो नूरी। शिक्रे और मुराद के गुरूर को नीचा दिखाने के बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। जल्दी करो, जल्दी करो। पानी, पानी तुम्हें नहीं मिल सकता। जब जिंदगी का आखिरी सांस तुम्हारे गले में मौत का कांटा बनकर होगा, उस वक्त तुम्हारे जख्मों से रिसता हुआ खून तुम्हारे हलक में उंडेल दिया जाएगा। जिंदगी और मौत का फासला बढ़ता रहेगा और तुम न जी सकोगे न मर सकोगे। शिकरे का इंतकाम बड़ा खौफनाक होगा, इतना खौफनाक कि गोंदलों की पुश्तें भी उसे याद रखेंगी। पुश्तें? मैं तुमसे जिंदगी की भीख कभी ना मांगूंगा। चुप रहो। समंदर खान, हेमंत खान, कड़ी निगरानी रखो। दूर रहो, अपने नापाक हाथों से मुझे छूने की कोशिश मत करो, कहीं तुम पर खुदा की कहर की बिजली न गिर पड़े। तुम्हारे गुस्से की बिजली से बढ़कर और कौन सी बिजली हो सकती है? मैं देखता हूँ तुम मेरे हाथों से काम छुड़ाता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जालिम को सही, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चाहे जितना चीखो चिल्लाओ, तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनेगा। यहाँ के दर दीवार गूंगी और बैठे नूरी, तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। एक शराबी के रूप में आने से पहले मैं तुम्हें चंद घड़ियों की मोहलत देता हूँ, ताकि तुम अपने अंजाम पर अच्छी तरह से गौर कर। खबरदार रहना। Thank you.
दम के दमादम, दम के दमादम, दम के दमादम। चुप चुप के दुनिया के नजरों से हूँ, चुप चुप के दुनिया के नजरों से हूँ। चोरी 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 प्यार करे प्यारे सनम। ओ दम के दमादम ला ला ला, दम के दमादम। चांदनी है रात में, चांदनी है रात में। खिली हुई चंदा की चांदनी है रात में, चांदनी है रात में। मैं तो तेरी हो गई रे, मैं तो तेरी हो गई थी पहली मुलाकात में, पहली मुलाकात में, पहली मुलाकात में। तू है मेरा फूल पिया, मैं तेरी शबनम, शबनम। मुझे यहीं से रुखसत कर दो नूरी, शायद किस्मत को हमारा मिलना मंजूर नहीं। वो कौन सी मजबूरी है नादिर जो मुझे साथ ले जाने से तुम्हें रोक रही है? वो मजबूरी तुम्हारी इज्जत और मेरी आन है नूरी। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर सांदलों के एक बेटे को अगवा करने का इल्जाम अपने सर नहीं लूंगा। नादिर Thank you.
निकले। बेटियों के डोले इस तरह नहीं उठा करते। इससे तो बेहतर था कि मेरे सामने नूरी का जनाजा उठ जाता। जनाजा उठ जाता तो बाप के अरमान कैसे पूरे होते? नादिर जैसा गुलफाम दामाद कहां से मिलता? मेरे दिल पर क्या गुजर रही है यह जानने की बजाय तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो। हम ये कहने आए कि तुमने हमारे दुश्मन के साथ अपनी पिटी को भगाकर पूरे कबीले से गद्दारी की। मैं नूरी को भगाकर नहीं लाया। भगाकर नहीं लाए तो क्या ब्याह कर लाए हो? अगर ब्याह दिल के सौदे का नाम है तो हम ये सौदा कर चुके हैं बाबा। तुम नहीं जानते वालदैन की मर्जी के खिलाफ किसी लड़की का हाथ पकड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। सांदल की जमीन मेरे लिए सौतेली माँ की गोद बन चुकी थी। मुराद अजरा को ठुकरा कर मुझे अपनी अवध का शिकार बनाना चाहता था। अजरा का सुहाग और अपनी आबरू बचाने के लिए मुझे सहारे की जरूरत थी। नादर ने मुझे सहारा देकर मुझ पर एहसान किया। चुप रहो लड़की, तुम्हारा वजूद हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। तुम एक सिमटा हुआ तूफान जो अचानक फैल कर दोनों कबीलों को अपनी लपेट में ले लेगा। मगर नूरी का वापस जाना इससे भी बुरा है बाबा। आप अपने घर को बचाने के लिए एक मजबूर और बेकार औरत को जहन्नम में धकेल देना चाहते? तुम सबका जोश हमारे लिए हमेशा एक नई मुसीबत का बायस बना। ये चिंगारी जो आज हमारे घर में सुलगी है कल कबीले के हर घर में भड़क उठेगी। तो क्या इतनी बड़ी हवेली में एक ब्यासरा लड़की को पना नहीं मिल सकती? मैं अपनी जान दे दूंगी मगर आपकी दहलीज को छोड़कर नहीं जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे वापस न भेजिए। नहीं लड़की, तुम्हें वापस जाना होगा। बाबा नूरी अब वापस नहीं जाएगी। बाबा जो लड़की भैया का दामन पकड़कर इस घर में आई है वो अब इस खानदान की लाज बन चुकी है और इस लाज की हिफाजत अब इस हवेली का फर्ज बन चुका है। फर्ज बन चुका? आ रहे हैं पसीने मुझे, इश्क के आ रहे हैं पसीने मुझे। हुस्न वाले नहीं देते जीने मुझे, मेरे 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 दिल को लगा ले ताला अलीगढ़ वाला, अलीगढ़ वाला रे। मेरे दिल को लगा ले ताला अलीगढ़ वाला, अलीगढ़ वाला रे। चल रानी खान का ताला लगा ले ताला अलीगढ़ वाला रे। मेरे दिल को लगा ले ताला। मामू के बाग थे और नाना के 100 घोड़े, छह मामू के बाग थे और नाना के 100 घोड़े। तेरे प्यार में चोरी हो गए कपड़ों के 2 जोड़े, मेरा निकल गया दीवाला लगा ले ताला अलीगढ़ वाला रे। मेरा निकल गया दीवाला लगा ले ताला अलीगढ़ वाला रे। मेरे दिल को लगा ले ताला। मैं हूँ मालकों की मधुम मगतनी गनी सागमा, और तू तेरा गंधार। गै 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 साए। अरे मैं गाती हूँ राग भैरवी नील कमल मुस्काए, सुन सुन नील कमल मुस्काए, सुन सुन नील कमल मुस्काए। नील कमल मुस्काए मैं गाती हूँ राग भैरवी तू गाने पर सुरे, पर सुरे।
और तू उतरा गंधार। अरे मैं गाती हूँ राग भैरवी, तू गाले मल्हार। सुर रख के चौथा काला गाले ताला हली गलवाला रे। सुर रख के चौथा काला गाले ताला हली गलवाला रे। मेरे दिल को लगा ले ताला। तेरे प्यार के प्यासे को ना पानी मिला ना रेत। अरे आप पछताए क्या होवत, जब चिड़िया चुग गई लालू खेत। तू पिंडी है तो मैं चक लाला लगा ले ताला अलीगढ़ वाला रे। तू पिंडी है तो मैं चक लाला लगा ले ताला अलीगढ़ वाला रे। चल रानी खाका ताला लगा ले ताला अलीगढ़ वाला रे। मेरे दिल को लगा ले ताला। बुलबुल गुलगुल मत कर क्यों हमारा गुल सोती है। अरे जालिम के बच्चे तू तो पोर से उड़ जाएगा तो हमारा नौकरी जाता है भाई। मेरी आंखों से बाहे पर नाला लगा ले ताला अलीगढ़ वाला रे। मेरी आंखों से बाहे पर नाला लगा ले ताला अलीगढ़ वाला रे। तेरे दिल में है कुछ काला लगा ले ताला अलीगढ़ वाला रे। मेरा नाम पाई छैला पटियाले वाला लगा ले ताला अलीगढ़ वाला रे। और मेरा नाम जानकी बाई लावार। अभी कल की बात है, गोंदलों ने भरे मेले में तुम्हारा एक आदमी मार डाला और आज कातिल का भाई तुम्हारे घर आकर कबीले की एकी को ले उड़ा। तुम कल भी खामोश थे और आज भी खामोश हो। हम खम पर कफन बांध लो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। याद रखो, अगर तुमने दुश्मन के इस वार को भी चुपचाप सह लिया तो फिर छानल की किसी बहु बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। हम ये जिल्लत कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गोलों से बल्ला जरूर लेंगे। सरदार मुराद, सरदार मुराद, मुराद खान। लड़ाई में कूदने से पहले ये सोच लो कि बहादुर की तलवार जब एक बार उठती है तो अपना या दुश्मन का सर लिए बगैर नहीं डरती। तुम हाथों में चूड़ियां पहनकर घर की चार दीवारी में छुप रहो। जिसका सवेरे कभी ना हो। वक्त कौन रोक सकता है, जब तक सांस जारी है चांद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही रहेगा। तो आओ नादिर, हम अपने सांस रोककर चांद का दामन थाम लें। मेरा चांद तो मेरे पास है, इस चांद को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जी चाहता है रेशमी जुल्फों के साये में नींद आ जाए और जिंदगी का लंबा सफर सोते सोते कट जाए। सरदार, सरदार, अब सोने का नहीं है, जागने का है। ये वक्त बैठने ही भागने का है। सर पर पांव रख कर भागिए। खैर तो है, खैर होती तो मैं आपके पास रात को क्यों आता। ये चींटियों को जुकाम हो गया है, मेंढकों को निकले आए हैं, गीदड़ों की मौत आ गई, हमारी तरफ आ रहे हैं। क्या बकते हो? मैं कुछ बक रहा हूँ चढ़ी चेक, पता नहीं मैं क्या बक गया। दरअसल जबान मेरी गुस्से से चल रही है और मैं आपकी तलवार उछल रही है। अगर यकीन नहीं है तो उठ कर देख लीजिए। वो देखो, चादलों का लश्कर, तरीन चेषक।
साथियों, वक्त आ पहुंचा है कि हम आंधी और तूफान बनकर गोंदलों पर टूट पड़े। कल का दिन हमारे दुश्मनों की मौत का दिन होगा। मुराद, इंतकाम के जोश में तुम्हारी जवानी जिस भयानक रास्ते पर कदम बढ़ा रही है, मेरा बुढ़ापा बरसों पहले इस राह से गुजर चुका है। मेरी आंखों ने मैदान जंग में आग और खून के सिवा कुछ भी नहीं देखा। ये कदम जो एक बार उठ चुके हैं, बदला लिए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। सोच बचार का वक्त गुजर चुका है। वक्त की बाग अब भी तुम्हारे हाथ में है। तुमने जो कदम गुस्से के अंधेरे में आगे बढ़ाया है, अकल की रोशनी में उसे पीछे हटा लो। ये जंग जरूर होगी जिसका नतीजा गोंदलों की हार और साधलों की जीत होगा। जंग में जीतने वाले को भी भूख और बर्बादी, जिल्लत और तबाही के सिवा और कुछ नहीं मिलता। सुलगते हुए खंडरात और लाशों के ढेर पर खुशी के गीत गाने वाला इंसान नहीं, शैतान होता है। फजल खान, तुम ये चाहते हो कि हम बुजदिलों की तरह खाली हाथ वापस लौट जाएं? नहीं, मुझे सिर्फ ये कहना है कि लड़ाई की बिना मेरी बेटी है, अगर गुलाब खां खून बहाए बगैर नूरी को हमारे हवाले कर दे तो फिर जंग की क्या जरूरत है। लुटेरे लूट का माल इतनी आसानी से नहीं लौटाया करते फजल खान। मालूम होता है तुम्हारा खमीर जरूर गोंदल की जमीन से उठा है। शिकरे, अगर मुसलमान हो तो एक मुसलमान की जबान पर यकीन करो। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर गुलाब खान ने नूरी को वापस भेजने से इनकार किया तो फजल खान की लाश वापस आएगी। अगर तुम्हें गोंदलों पर इतना ही भरोसा है तो जाओ, तुम्हारी ये हसरत कहीं दिल ही में दम न तोड़ दे कि तुम दुश्मनों के सामने भीग कर दामन न फैला सके। ये तुमने दानाई का सबूत नहीं दिया मुराद। फजल खान शतरंज का वो मोहरा था जिसे हम किसी मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल कर सकते थे। तुम फिक्र ना करो, फजल खान को हमसे गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी। फजल खान, अगर तुम अकेले आए होते तो मैं नूरी को तुम्हारे हवाले करने से इनकार ना करता, लेकिन मुराद और शिकरा अपने लश्कर का खौफ दिलाकर हमसे बजोर शमशीर नूरी को हासिल करने आए, इसलिए मैं उन्हें दिल के अरमान निकालने का मौका जरूर दूंगा। अगर उन्हें अपनी ताकत का गुरूर है तो हमें भी अपने खुदा पे भरोसा है। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि यकीन कामिल और जज्बे ईमानी से जीती जाती है। ये तुम नहीं, तुम्हारी जवानी बोल रही है। मेरा सवाल गुलाब खान से है जिसका बुढ़ापा इन लफ्जों के पीछे छुपे हुए तूफान को अच्छी तरह देख सकता है। फजल खान, मैं बूढ़ा जरूर हूं मगर बुजदिल नहीं। जिंदगी में जब कभी आन और जान बचाने का सवाल आया है, गुलाब खान ने हमेशा आन की हिफाजत की, जान की नहीं। गुलाब खान, तुमने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा होता तो एक क्या हजार बेटियां तुम्हारे कदमों पर निसार कर देता, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मुझे बुढ़ापे में सांदलों को मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। बाबा, इन्हें कुछ न कहिए, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। आप ही ने तो कहा था कि सांदल की जमीन पर अब इंसान नहीं भेड़िए बसते, जहां किसी बहु बेटी की इज्जत महफूज नहीं रह सकती। यहां आकर मुझे इज्जत, मोहब्बत, राहत, सब कुछ मिल गया है बाबा। फिर भी ये सौदा बहुत महंगा है। तू नहीं जानती कि तेरे बाप को और दोनों कबीलों को इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। मुराद और शिकरा तेरे बहाने जंग पर आमादा हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से दोनों कबीलों में खून की नदियां बह जाएं। हम जंग की इब्तिदा नहीं करेंगे फजल खान, लेकिन जो कदम हमारी तरफ बड़े तोड़ दिए जाएंगे, जो हाथ हम पर उठा काट दिया जाएगा। गुलाब खान, याद रखो, मेरा खाली हाथ वापस जाना तुम्हारी कमान से निकला हुआ वो तीर होगा जो कभी लौट कर नहीं आता। हम जानते हैं, लेकिन नूरी को तुम्हारे हवाले करने का ये मतलब है कि हम साधनों की ताकत से डर गए। खुदा की कसम, गुलाब खां की रगों में जब तक खून का एक कतरा बाकी है, उसका सर खुदा के सिवा और किसी ताकत के सामने नहीं झुक सकता। तो तुम्हारी तरफ से साफ इनकार है। बहुत अच्छा, मैं शिकरे और मुराद को यह कौल देकर आया था कि अगर गुलाब खां ने नूरी को भेजने से इनकार किया तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा। तुमने मेरे एतबार को धोखा दिया है, तुमने मेरी आखिरी आस तोड़ दी, तुमने मोहब्बत के पैगाम को नफरत से ठुकरा दिया, लेकिन फजल खां अपना काम जरूर पूरा करेगा। हट जाओ नूरी। बाबा, मैं इंसानियत का मोल कभी नहीं गिरने दूंगा। रुक जाओ फजल खान, जंग अमन की बाजी में तुम जीत गए। नूरी को ले जाना ही चाहते हो तो पुरानी रस्म के मुताबिक दोनों कबीलों के दो जवान आपस में मुकाबला कर लें।
इस तरह जंग किए बगैर बहादुरी की लाज तुम्हारे कौल और हमारी आन किसी पर भी धब्बा नहीं आएगा। मुझे मंजूर है। भाईजान, शिकरे की दुश्मनी मुझसे है, यह मुकाबला मैं करूंगा। नहीं दिलावर, याद मेरी वजह से भड़की है, तो ठंडा करना मेरा ही फर्ज है। जब तक मैं जिंदा हूं दुश्मनों की तलवार तुम पर उठते नहीं देख सकता। मुझे अपना फर्ज अदा करने दीजिए भाईजान, नूरी की खातिर मुझे इम्तिहान देना ही होगा। आप भाभी जरीना और नन्हे खालिद की अमानत। बहादुर इंसान पूरे कबीले की अमानत होता है। बहादुरों के बच्चे सहारों पर नहीं तलवारों के साय में परवान चढ़ा करते हैं। बाबा की तलवार पर सबसे पहले मेरा हक है। सरताज, खुदा पर भरोसा रखो जरीना, यही हम सबका मददगार है। आंसू पहुंचा लो। साथ बाबा का कौल यान और सारे कबीले की इज्जत वाबस्ता है, तुम्हें वापस जाना ही होगा। उन्हें मेरा जिस्म चाहिए, मेरी रूह नहीं। मुझे मर जाने दो, मेरी लाश उनके हवाले कर दे। मोहब्बत हमेशा फर्ज पर कुर्बान होती रही जरूरी, मोहब्बत सिला नहीं मांगती। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मुझे मरने से न रोको। जिद न करो नूरी, आज गोंदलों की इज्जत तुम्हारे हाथ है। चाहे बचा लो, चाहे पैरों तले रोन डालो। नादिर, नादिर,
हुआ तीर अब मुझे जीने न देगा। नादिर, मैं नूरी को तुम्हारे हवाले करता हूं। निशाना चूक गया, वरना आज मैंने दिलावर से शमा। अगर समुंदर खान ने यह राज खोल दिया कि फजल खान की मौत का बायस आप हैं। मुराद, तुम्हारी मंजिल आ चुकी। हम दोनों की मंजिल एक है शिकरे। ठीक, मगर अब नहीं, तुम्हारी मंजिल नूरी है और मेरी भी। एक नूरी दो घरों में उजाला नहीं कर सकती। शिकरे, तुमने मुझे दोस्त बनकर धोखा दिया है। फरेबी कमीने, शाबाश। दुनिया में लोग दोस्ती की लाश पर खड़े होकर ही सरदार बनते हैं।
तुम भी जिंदा न बच सकोगे। नादिर रुक जाओ नादिर, जख्मों से चूर इंसान पर तलवार उठाना बहादुरी नहीं। नूरी ये इंसान नहीं हैवान है, खून इसकी वजह से गोंदल की गलियां लाशों से भरी पड़ी और तुम बच्चों और बूढ़ों की पुकार से आसमान कांप रहा है। नादिर शिकरे ने मेरी आंखों पर हवस का पर्दा डाल दिया था, मैं दरिंदा बन गया था, मैं शिकरे की चाल को न समझ सका, मैंने उसकी जबान पर भरोसा किया मगर उसके सिया दिल में छुपी गई और मक्कारी ना देख सका, लेकिन आज मेरा जमीर मुझे मलामत कर रहा है। ये सच है नादिर, मुराद बेकसूर है, हमारी तबाही और बर्बादी नहीं शिकरे ने खेला है। मुझे अपने गुनाहों का एतराफ है नादिर, मुझे मार डालो, मेरी गर्दन उड़ा दो, मेरी लाश को इतना रौंद डालो कि सांदल की जमीन से फिर कोई मुराद पैदा ना हो सके। सरताज भैया मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरी जिंदगी का सुख मेरी झोली में डाल दो भैया, वरना दुनिया कहेगी कि एक बहन अपने भाई के घर से खाली हाथ चली गई। अजरा नादिर ये ना भूलो कि भाइयों के घर से बहनों के जनाजे नहीं डोले उठा करते हैं। अजरा तुम्हें तुम्हारा हक मुबारक हो। नादिर मुराद हमेशा दुआ निकलती, रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र है कि आखिर तुमने सच्चाई, खुदा तुम सबको एक और नेक रखे। चेशक हजरा बेटी यहाँ आओ, खुदा तुमको सलामत रखे। तेरे